अस्सलाम वालेकुम यार, एक चादर बना देना फूलों की। कितने की बनेगी? सही सही, 3.5 वाली बना दो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत। उसका बाबा मेरे स्कूल की फीस मांग रही है। मैंने अम्मी को बोला था, अम्मी ने बोला फीस छोड़ दो, तो बाबा यार ये बच्चा क्या कह रहा है? जी यार, ऐसा करो आप रहे तो हमें फूल यहीं मिल गए। थैंक यू। बेटा आपका नाम क्या है? ज़ेफ़ा। ज़ेफ़ा बेटा, हमें आपके पापा ने भेजा है आपकी फीस देके। आपकी फीस हम जमा करा देते हैं, और बाकी अगर कोई चीज हो, किसी चीज की कमी हो तो वो भी हमें आप बताना। आपके पापा ने कहा था आपके बारे में, तो आपकी सारी चीजें हम करा देते हैं। आपकी किताबें, आपके ड्रेस सब हम लेंगे। सही है, ठीक है, आप फिक्र नहीं करना किसी चीज की। चलो नहीं ज्यादा, आज हमारे साथ चलो, आपको पैसे दे देते हैं सारे। बाज़ औक़ात हम कुछ काम नेकी समझ कर रहे होते हैं, जबकि इन कामों का नेकी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर हम इन पैसों से किसी की मदद कर दें तो बहुत सवाब मिलेगा, और आपके मरहूम की रूह को जो तस्कीन पहुंचेगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स किसी यतीम की मदद करेगा वो कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा जैसे ये दो उंगलियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियों के इशारे से ये बताया। अपने मरहूम को सवाब पहुंचाने के लिए किसी यतीम की मदद करें। सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।